नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन हेल्प के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऐसा तरीका जिससे कि आप अपने नोट और सिक्के को नीलामी में लगा सकते हैं सिर्फ अपने घर बैठे। यानी कि आपको ये कॉल करना है और यहाँ पे आप अपने सिक्के को नीलामी में लगा सकते हैं। इससे पहले आपको कुछ नियम और शर्तें जानना होगा, साथ ही आपको ये भी मैं बता दूंगा इस वीडियो में कि कितना प्राइस आपको किस सिक्के के लिए मिल सकता है। अगर आपके पास 2 रुपये वाला सिक्का है, चाहे वो वैष्णो देवी वाला कॉइन है या ब्रिटिश इंडिया का कॉइन है, सबके बारे में हम जानेंगे इस वीडियो में कि किसका कितना वैल्यू यहाँ मिल रहा है। तो देखिए, ये जो कंपनी है ये है टोली वाला ऑक्शन। यहाँ पे आपको जो है नंबर पे कॉल करना है और वहाँ पे आपके सिक्के बताना है कि आपके पास कौन से सिक्के हैं, और यहाँ पे आपके सिक्के को नीलामी में लगा दिया जाएगा। और जैसे ही आप मान लीजिए कि आपको एक नीलामी के डेट सेट करना होगा कि आप कितने दिन के लिए यहाँ पे रखना चाहते हैं, 15 दिन, 1 महीने, ठीक है। तो अगर आप 15 दिन के लिए रखना चाहते हैं तो आपको जो है इसके लिए देना होगा, मतलब सॉरी, इसके लिए आपको 15 दिन के बाद जो है आपके सिक्के को जो भी आदमी ज़्यादा बीट लगाएगा वो आदमी आपके सिक्के को जो है खरीद लेगा और उसे आपको सिक्के देना है और आपको पैसे दे दिए जाएंगे उसका, ठीक है। यहाँ पे सब कुछ लेजिट होता है यहाँ पे, क्योंकि आधार नंबर से आपको वेरीफाई करना होता है, या जो भी आदमी खरीदेगा उसे भी अपने आधार कार्ड के नंबर से वेरीफाई करना होता है, इसीलिए यहाँ पे फ्रॉड होने के चांस जो है काफ़ी कम है या नहीं के बराबर कह सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, अगर आपके पास कुछ इस टाइप के 2 रुपये के सिक्के हैं तो आपको कितना पैसा इसका मिल सकता है। तो यहाँ पे ये कॉइन की वैल्यू जो एस्टिमेटेड 1100 से 1300 के बीच में था, लेकिन यहाँ पे जो ये कॉइन बिका है ये बिका है 1800 में। आप देख सकते हैं सोल्ड फॉर 1800, ठीक है। मैं आपको माता वैष्णो देवी का कॉइन भी दिखा देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए, अगर आपके पास 25 पैसे के ऐसे सिक्के हैं जिसकी कीमत लोग करोड़ों बताते हैं, तो करोड़ों तो नहीं लेकिन आपको 4000 से 5000 रुपया जरूर दिलाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कॉइन जो बिका है वो 4000 में बिक गया है, ठीक है। अगर हम इस कॉइन की बात करें तो इस कॉइन की जो है ये कॉइन यहाँ पे है रिपब्लिक इंडिया अनसर्कुलेटेड सेट था ये यहाँ पे। हाँ, ये कॉइन्स काफ़ी जो है महात्मा गांधी वाले, अगर आपके पास 20 पैसे के सिक्के या कोई भी ऐसे सिक्के या भगवान गणेश वाला सिक्का है तो ये सिक्का आपको दिला सकता है 1100 से 1300 के बीच में, और ये 1300 में जो है ये सिक्का बिक चुका है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ वैष्णो देवी, माता वैष्णो देवी के कॉइन का, तो यहाँ पे हमें जो है माता वैष्णो देवी का भी एक कॉइन मिल जाता है। तो देखिए, माता वैष्णो देवी के कॉइन्स की कुछ लोग कीमत जो है करोड़ों में बता देते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको इस कॉइन का मिल जाएगा 2500 से 3000 रुपये। और ये कॉइन अभी जो है इसकी बीडिंग चल रही है, जैसे ये बीडिंग ख़त्म हो जाता है यहाँ पे आपको दिख जाएगा सोल्ड फॉर इतना इतना। ये इसकी बीडिंग चलेगी 15 जुलाई 2018 से, ये जो है शुरुआत हो चुका है और ये 5 अगस्त तक जो है चलने वाला है, ठीक है। तो और भी मैं आपको ब्रिटिश इंडिया वाले भी कॉइन के बारे में बता देता हूँ, ठीक है। देखिए, तो यहाँ पे जैसे मैं सर्च करता हूँ ब्रिटिश इंडिया, थोड़ा सा टाइम ले रहा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बहुत सारे सिक्के जो है नीलामी में लगाए गए, मैंने तो अभी एक ही पेज देखे, आप यहाँ पे बहुत सारे पेजेस है, आप चाहें तो उसे भी देख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे आपको और भी चीज़ें, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हमें ब्रिटिश इंडिया वाले कॉइन्स के बारे में जानना है, तो सिंपली आपको जो है क्लिक करना है और यहाँ पे सर्च पे क्लिक कर देते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पे सर्च पे हम क्लिक कर देते हैं और जैसे ही सर्च पे क्लिक करेंगे यहाँ पे हमारे सामने ब्रिटिश इंडिया से रिलेटेड कॉइन जो है आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए, ब्रिटिश इंडिया से रिलेटेड कॉइन्स की बात करें तो यहाँ पे जॉर्ज पंचम वाला जो कॉइन है ये आपको 1,75,000 से 2,25,000 के बीच में दिला सकता है। लेकिन बात ये है कि ये कॉइन जो है गोल्ड कॉइन है, ठीक है। अगर आपके पास निकेल ब्रास कॉइन है तो हो सकता है आपको वो 20 से 25 हज़ार रुपये दिला पाए, ठीक है। यहाँ पे देखें तो ये कॉइन जो है 25.5 लाख से 2,80,000 के बीच में आपको दिला सकता है। साथ ही इस कॉइन की बात करें तो ये भी आपको 1,70,000 के बीच में, 1,70,000 से भी लेकर बाकी आगे बढ़ते क्रम में आपको जो है दिला सकता है। अगर यहाँ पे निकेल ब्रास कॉइन की बात करें तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये 2000 से 2600 के बीच में आपको दिला सकता है जॉर्ज पंचम वाले सिक्के। तो चलिए, मैंने आपको इतना कुछ बता दिया है। और नोटों की बात करें तो यहाँ पे नोट भी आपको जो है दिख जाते हैं, सॉरी मैंने ये पेज को, तो यहाँ पे मैं नोट के बारे में भी आपको दिखा देता हूँ। देखिए, यहाँ पे जो है 1 रुपये के अगर आपके पास 9 वाले नोट है तो आपको इसकी कीमत जो है 7 लाख से 8 लाख रुपए तक मिल सकती है। लेकिन इस नोट में क्या यूनिक है ये आप जान लीजिए। ये हाजी पिलग्रिम्स के जो है उसके साइन बाय HVR लैंगर, तो अगर HVR लैंगर का साइन किया हुआ आपके पास 1 रुपये का 9 वाला नोट है तो आपको 7 से 8 लाख रुपये मिल सकता है। तो देखिए, इसके लिए आपको सिंपली रजिस्टर पे क्लिक करना होता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा प्रोसेस है जिसे आप अगर फिल कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। देखिए, यहाँ पे आधार कार्ड वगैरह मांगा जाता है ताकि जो है कोई फ्रॉड किसी के साथ ना हो। मान लीजिए कि किसी ने कॉइन आपका लिया और उसके बाद आपको पैसे नहीं दे रहे, या आपने झूठे कॉइन के बारे में यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट कर दी, तो इसीलिए यहाँ पे आधार कार्ड नंबर और पैन कार्ड मांगा जाता है। पैन कार्ड इसलिए मांगा जाता है कि अगर आपके नोट या सिक्के 5 लाख से ज़्यादा में बिकते हैं तो आपको उसका टैक्स भी देना होता है इंडियन गवर्नमेंट को, ठीक है।
तो चलिए मैं आपको सिंपल बता देता हूँ कि आप जैसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो सिंपली आपको यहाँ पे क्लिक करके कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक कर देना है। कॉन्टैक्ट अस पे जैसे क्लिक करेंगे तो अगर आप मुंबई में रहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, ये कंपनी जो है मुंबई की है, ये ऑक्शन हाउस जो है मुंबई का है, ठीक है। यहाँ पे इनका दो फ़ोन नंबर दिया गया है जिसे आप देख सकते हैं हमारे स्क्रीन पे। यहाँ पे आपको ये वाला फ़ोन नंबर दिख रहा होगा और यहाँ पे आपको ये वाला भी फ़ोन नंबर दिख रहा होगा। तो इतना कुछ मैंने आप लोगों को इस वीडियो में बताया, आशा करता हूँ कि वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल रहा होगा। और आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप लोग लाइक बहुत कम करते हैं। लाइक कीजिए ताकि हम लोग पता चल सके कि आप लोग हमें कितना सपोर्ट करते हैं। इसीलिए मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।